नमस्कार, आपका अपने चैनल ज्ञान द नॉलेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ साल का पहला पुष्य योग 13 को, और ये उपाय बना सकता है आपको माला माल। जी हाँ, इस साल 2017 का पहला पुष्य नक्षत्र 13 जनवरी शुक्रवार को आ रहा है। शुक्रवार होने के कारण ये शुक्र पुष्य कहलाएगा, और ज्योतिषों के अनुसार पुष्य नक्षत्र में किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। इस बार शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ 12 जनवरी गुरुवार की रात 2:32 से होगा और 13 जनवरी को पूरे दिन रहेगा और रात 1:47 पर समाप्त होगा। इस दिन कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये जानने के लिए आइए देखते रहिए ये मेरा वीडियो। और सबसे पहले आगे बात करने से, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नीचे लाल बटन दिया होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस कर दें, दबा दें, इससे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको रोज़ नए नए ज्ञान से भरे, नॉलेज से भरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए दबाए ना, में हिचकिचाहट ना करें, प्लीज़ इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बात करते हैं पहले उपाय की। शुक्रवार की शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 कौड़ियाँ रखें। रात 12 बजे बाद इन कौड़ियों को घर में गाड़ दें। इससे जल्दी ही आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। दूसरा है, लक्ष्मी पूजा में चांदी के सिक्के भी रखें, बाद में इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें। आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। सुबह लक्ष्मी मंदिर में जाएं और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को माला माल कर देती है। शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। शाम को घर के ईशान कोण में गाय के दीपक का सॉरी गाय के घी का दीपक लगाएं। उसमें थोड़ी केसर भी डालें। इससे रुका हुआ धन आने के योग बनते हैं। श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र की पूजा करें, क्योंकि श्री यंत्र बहुत महत्व रखता है। अगर आप रेकी या प्राणिक ऊर्जा के बारे में कुछ जानते हो तो जो श्री यंत्र आपके पास हो उसे आप रेकी प्राण ऊर्जा देकर, रेकी द्वारा हीलिंग देकर, रेकी से रेकी के बारे में जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो कभी रेकी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि रेकी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो अगर अभी जानते हो तो इसे आप चार्ज कर सकते हैं रेकी देकर, इससे ये इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ऐसा समझें। तो श्री यंत्र की पूजा करें और बाद में इसे अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। इससे भी धन लाभ की संभावना बनती है और बहुत बढ़ती है, धन लाभ की संभावना काफ़ी बनती है। और शुभ मुहूर्त में चांदी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तिजोरी में रखें। इनकी पूजा से घर में धन की कमी नहीं रहेगी। शाम को पीपल के पेड़ के पास पंचमुखी दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय बहुत चमत्कारी है। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप पंचमुखी दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, तो प्रार्थना जब आप अपनी करें तो ये भाव करें उसके बाद कि जो प्रार्थना की गई है, उस प्रार्थना के बाद आप कल्पना कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की बहुत प्राप्ति हो रही है, घर में बहुत धन धान्य आ रहा है। ऐसा भाव करें, ऐसी कल्पना करें कि घर में धन धान्य की बहुत प्रचुर मात्रा में धन हमारे घर में आ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत चमत्कारी होगा। इस भाव से और बढ़िया हो जाएगा ये उपाय।
माता लक्ष्मी के मंदिर में कमल गट्टे की माला अर्पित करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी आप पर जरूर प्रसन्न होंगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर वहाँ से पानी लाकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें, जल्दी ही आपका कर्ज उतर जाएगा। जमा पूंजी खर्च हो रही है तो पीपल के 5 पत्तों को पीले चंदन में रंग कर बहते हुए जल में बहा दें, जमा पूंजी लगातार बढ़ती रहेगी। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को एक बार फिर कहता हूँ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ ज्ञान भरे वीडियोस आपको मिलते रहें। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।